7.1 क्वेश्चन नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, -9 से सम दूरस्थ हो। इंग्लिश में स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। अब पहला वर्ड जो तुम्हें पता होना चाहिए जिसका मीनिंग, वो है सम दूरस्थ। इंग्लिश में लिखा है इक्वी डिस्टेंट। अब वर्ड में देखो क्या है, सम, सम मतलब समान। फिर अगला शब्द है दूर, दूरी में दूर से मतलब दूरी। स्थ, स्थ मतलब स्थिति, मतलब समान दूरी पर जो पॉइंट है। तो आपका क्वेश्चन में कहा है सिमिलरली, इंग्लिश में देख लो, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट वर्ड आया डिस्टेंस से, तो हम बात कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंट की, डिस्टेंस की। क्वेश्चन में कहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु लेना है, आपके ये पॉइंट एक्सिस आप ऐसे बनाते हो, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष मतलब यहाँ पे इस लाइन पे कोई बिंदु है जो क्या है, इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। 2, -5 यहाँ पे होगा, वाई वाला माइनस का है ना, इधर पॉइंट है कहीं पे 2, -5 और दूसरा पॉइंट है -2, -9 वो इस तरफ है। इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है। अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, अगर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, हम मान लेते हैं वो पॉइंट है एक्स, ए 1 से लेके 100 तक या माइनस में 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई माइनस का पॉइंट होगा, उसको मान लिया एक्स। अब वाई वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो वाई की लाइन पे आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 0। तो एक्स अक्ष का पॉइंट क्या हो गया, एक्स 0। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक होंगे x, 0। तो हमने क्या करना है, हमें ये x, 0 ढूंढना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो क्या है एक्स अक्ष पे है और इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो हम पहले मान लेते हैं लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, माना कि एक्स अक्ष पे बिंदु। अब एक्स अक्ष का कोई बिंदु होगा तो वो किस तरह का होगा, x, 0। इसको मैं नाम दे देती हूँ P। अब दो पॉइंट्स कौन से देख दिए, 2, 5, उनको भी नाम दे दो। क्लियर। अब तुम्हें क्या कहा है, P एक पॉइंट है जो कि A 2, -5 से जितना दूर है उतना ही दूर किससे है, -2, -9 से, क्योंकि P पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो P का डिस्टेंस A से, P की दूरी A से हो गई AP, P की दूरी B से PB, दोनों क्या है बराबर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो एक बार फार्मूला लिख ले पहले, डिस्टेंस फार्मूला हिंदी में लिखोगे दूरी सूत्र, फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं एक बार, x2 - x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला जरूर लिखा करो। क्लियर। अब एपी का फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला यहाँ पे ए दूसरा पॉइंट पी, तो पहले पी का लिखा, ब्रैकेट डाल दी हमने ऊपर पावर, पहले पी का एक्स, इधर से पी का दूसरा क्या है 0, माइनस साइन डाल दिया, उसके बाद ए था हमारा 2, -5, इस तरफ 2, -5 ऐसे लिखोगे इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट डाल के स्क्वायर। पहला पॉइंट कौन सा लेना है, बी का, बी का कितना है -2, -9 माइनस डाला, पी का कितना है एक्स 0। आप यहाँ पे पी भी लिख सकते थे और बी पी भी लिख सकते हैं, मतलब पी आगे लिखा है ना, आप इसको पीछे भी ले सकते हैं।
अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस टू को पहले अभी मैं ये से रख रही हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो जीरो प्लस फाइव हो गया। अब यहाँ देखो इन दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला है, एक्स प्लस टू का। देखो हमने नाइन्थ में दो फार्मूले पढ़े थे, ये वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दूसरा पढ़ा था ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। माइनस में क्या है, पहले नंबर का साइन क्या है, प्लस, दूसरे का माइनस, मतलब एक दूसरे का उल्टा। यहाँ पे देखो इसका प्लस इसका भी प्लस, मतलब दोनों का साइन क्या है, सेम है। यहाँ देखो टू के आगे माइनस साइन, एक्स के आगे माइनस साइन, दोनों का साइन सेम है, तो इसका मतलब एक्चुअल में फार्मूला कौन सा लगना है, प्लस वाला। तो मैंने इनका साइन बना दिया प्लस, नाइन माइनस जीरो नाइन, इसका स्क्वायर, इधर से इसका स्क्वायर कर दिया, फार्मूला लगा दी। यहाँ पे क्या है, एक्स का साइन है प्लस का, टू का साइन है माइनस का, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, वो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी। ये आपके फॉर्मूले थे, अब इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, जो स्टार्टिंग में लिखा है उसका स्क्वायर, यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस पीछे जो है उसका स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर किसका आ गया, टू का, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का है ना, तो माइनस का फॉर्मूला एक्स, जीरो प्लस फाइव, फाइव, फाइव का स्क्वायर पच्चीस। यहां पे प्लस वाला फॉर्मूला लगा दूं, अब एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर टू इंटू एक्स, नाइन का स्क्वायर 81। अब देखो स्क्वायर लगे, रूट लगाया ना, इधर प्लस में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इस रूट के बाहर भी कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब मैं रूट हटाना चाहती हूँ, अब देखो अंदर तो प्लस प्लस आ गया, तो रूट तो हटेगा नहीं, तो मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग लें। अब वर्ग लेने से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रही हूं, तो मैंने यहां पे रूट हटा के लिखे, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस का निशान। देखो स्क्वायर करने से ये छत हट जाएगी, बस जो रूट बना रखा है मैंने, सिर्फ इसको हटाना है, बाकी जो नीचे लिखा था उसको वैसे ही लिखना है। तो पहला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस टू टू इज फोर और साथ में एक्स प्लस 25 इक्वल्स एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर एक्स प्लस 81। क्लियर। मैंने अभी तक क्या किया, एपी और पीबी लिए थे, उन पे फार्मूला लगाया, अंदर होल स्क्वायर क्या फार्मूला लगना था वो लगा दिया, और फिर क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर से क्या हुआ, ये रूट जो था ना ऊपर बनाया, ये कैंसल हो गया, हट गया, ठीक है। अब अंदर की वैल्यू, अब यहाँ इक्वल्स टू है, अगर दोनों साइड इस इक्वल्स टू के दोनों तरफ नंबर सेम है और उनके साइन भी सेम है, जैसे यहाँ एक्स का इधर भी दिख रहा है, इधर भी है, दोनों तरफ है ना, अब इनके साइन चेक करते हैं, इधर का साइन है प्लस, इधर साइन प्लस, अगर बराबर के एक तरफ जो नंबर है वही नंबर दूसरी तरफ है और उनके साइन भी सेम है, तो हम उनको काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर कट गया, फोर का प्लस का साइन, फोर का माइनस प्लस साइन कट गया, फोर का माइनस, फोर एक्स इकट्ठा है, फोर एक्स का माइनस साइन, फोर एक्स का प्लस साइन नहीं काट सकते, साइन सेम नहीं ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये हमने गलत लिख लिया, 25 था आंसर, 25 था ना, नंबर सही उतारना है 25। अब बचा क्या है, माइनस फोर एक्स प्लस 25, उधर से क्या बचा, फोर एक्स प्लस 81।
ठीक है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, 4x एक तरफ इकट्ठे कर लूँ, मतलब जिनके साथ x लगा है वो एक तरफ, बिना x के एक तरफ, तो इस 4x को चले इधर, पहले से क्या है माइनस 4x, 25 तुमने उस तरफ लेके जाना है, अब ये इस तरफ आया तो ये प्लस का इस तरफ, इक्वल्स टू से उस तरफ आया तो माइनस बराबर, अब इसका हटाया ना, अब पहले से इधर क्या बचा हुआ है 81, अब ये उधर लेके गए थे प्लस का है, उधर जाके माइनस, अब इसको कर लो माइनस 4x माइनस 4x, दोनों का साइन सेम है, सेम साइन लगा दिया, सेम साइन हो तो हम प्लस करते हैं, 4 प्लस 4 8, साथ में x, 81 में से 25 माइनस करोगे 56, अब हमें क्या निकालना था, हमारे क्वेश्चन में क्या नहीं पता, हमें x नहीं पता, x का आंसर निकालना, अब ये यहाँ पे क्या है बीच में मल्टीप्लाई, हमें तो x को इकला करना है ना, तो माइनस हेड हटाना पड़ेगा, तो माइनस हेड अब ये मत करना कि इसमें माइनस का साइन है तो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं, इन दो जिसको अकेला कर रहे हो, x को अकेला कर रहे हो ना, x के साथ इसका निशान कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो इधर ये जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड कट, हाँ उल्टी तरफ जाएगा तो डिवाइड का, तो इसको काटे 8 1 8 टेबल 7, अब ये माइनस साइन नीचे का ऊपर आ गया, तो आपका पॉइंट क्या आया, तो हमने पॉइंट क्या लिया था, P लिया था ना, पॉइंट हमने P लिया था ना, तो पॉइंट हमारा आ गया P -7, 0, ये आपका आंसर, यहां से एक बार समझ लो, सेम साइन था हमने काट दिया, 4 और 4 का साइन सेम था वो कट गया, नंबर 4x जहां भी है यहां भी है, लेकिन क्या है साइन उल्टे हैं, साइन अलग अलग थे इसलिए हमने उसको कट नहीं किया, हम नहीं काट सकते, देखो अगर ध्यान से देखें ये इधर जाके क्या बनेगा, प्लस का बनेगा ना, वो तो प्लस हो जाने थे, बाद में 4x जब इस तरफ आया तो ये प्लस किया ना हमने, तो जब साइन सेम नहीं होते तो हम नहीं काट सकते, ठीक है, ये 4x इस तरफ आया माइनस का हुआ 8x, फिर ये 25 हमने साथ में उधर ले गए 56, 8 से डिवाइड किया माइनस 7, एक्स का आंसर है माइनस 7, स्टार्टिंग में हमने पॉइंट माना था क्या था, वो P था ना, तो पॉइंट क्या गया P -7, 0, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लियर।